अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। ईद मुबारक आप सबको। अच्छा जी, स्टार्ट हम लेते हैं फ्रॉम लास्ट लेक्चर। अगर आपको याद हो, लास्ट लेक्चर में हमने एक सिंपल फॉर्म क्रिएट किया था। जैसे हमने कहा था लॉगिन डॉट पीएचपी, फिर हमने देखा था कि हाउ टू चेक पासवर्ड, यूज़र नेम एंड ईमेल पासवर्ड, वो डेटाबेस में एग्जिस्ट भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इफ एग्जिस्ट नहीं करे तो हमने डिस्प्ले करवाया था याहू यूज़र एग्जिस्ट, अदरवाइज हमने डिस्प्ले करवाया था माई बैड यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट। फ्रॉम अबव डिज़ाइन टास्क हमने क्या देखा था, सिंपल डेटाबेस पीएचपी एडमिन में कैसे हम क्रिएट करते हैं, टेबल उसमें कैसे ऐड करते हैं, टेबल के इनसाइड पीएचपी माई एडमिन से डाटा कैसे ऐड करते हैं, हाउ टू कनेक्ट डेटाबेस, हमने वो फंक्शन देखा था। फिर हमने देखा था हाउ टू एग्जीक्यूट क्वेरी फ्रॉम पीएचपी एंड प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन। तो ये लास्ट लेक्चर के अगेंस्ट हम ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, वो कोड को दोबारा रिव्यू कर लेते हैं क्विकली। ये टास्क हमने कंप्लीट परफॉर्म किए थे। सो ब्रैकेट्स ओपन हो जाए तो हम कोड को रिव्यू करेंगे कि इन टास्क को हम कैसे अचीव किया था, कौन कौन से फंक्शन को हमने अंडरस्टैंड किया था। तो बेसिकली हमारे पास लॉगिन डॉट पी एच पी फॉर्म थी, हमने एक सिंपल फॉर्म क्रिएट किया। देन हमने कहा मेथड क्या होगा पोस्ट, एक्शन इनिशियली हमारा क्या था एम्प्टी, इट्स मीन इसी ही पेज पे हम वापस आ रहे थे, और हमने कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट की थी। फिर हमने क्रिएट किया था इफ सेट पोस्ट सबमिट, चेक किया था कि पोस्ट अरे के अंदर सबमिट की वैल्यू अगर है सेट है तो आप इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करें। इस कंडीशन को फॉर्म से डेटा गेट किया यूजिंग पोस्ट वेरिएबल। फिर हमने एक क्यूरी अप्लाई की सिंपल, ये अंडरस्टैंड किया था इस क्यूरी को हम क्रिएट कैसे करेंगे, इसे सिंपल स्ट्रिंग क्यूरी। फिर इस क्यूरी को हमने जो कनेक्शन हमने क्रिएट किया था इस पर हमने इस क्यूरी को माई एस क्यू एल आई क्यूरी के थ्रू एग्जीक्यूट करवाया। जो भी रिजल्ट आया वो कहाँ पर हमने स्टोर कराया, स्पेसिफिक डेटा वेरिएबल में। देन हमने चेक किया कि अगर इस ऑब्जेक्ट डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर माई एस क्यू एल आई नंबर ऑफ रोज मीन 0 से ग्रेटर हैं तो हम क्या कह रहे हैं यूज़र एग्जिस्ट, अदरवाइज हम क्या कह रहे हैं यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट। तो सिंपल इस कोड को हमने कंप्लीट अंडरस्टैंड किया था लास्ट लेक्चर में। सो बिफोर गोइंग टूवर्ड्स लेक्चर कंटेंट, अभी बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि असाइनमेंट की डेट क्या करें, एक्सटेंड कर दें। तो असाइनमेंट की डेट आपकी 5 अगस्त है रात 11:59 तक। तो आप असाइनमेंट 5 अगस्त को 11:59 तक सबमिट करेंगे। सबमिट किस फॉर्मेट में करेंगे, अभी मैं थोड़ी देर बाद लेक्चर के पास सीएमएस पे अपलोड कर दूंगा। तो लेट्स सपोज आपके पास ये दो हमने वेबसाइट क्रिएट करनी थी, एक सिंपल एचटीएमएल सीएसएस और एक बूटस्ट्रैप। तो आप क्या करें, लेट्स सपोज विन आर ए आर सॉफ्टवेयर कर लें। सबसे पहले आप क्या करें, जिप करें वेबसाइट किसी एक फोल्डर को। तो जब फोल्डर जिप होगा तो वेबसाइट टू के नाम से एक जिप फोल्डर क्रिएट हो जाएगा आर ए आर। तो ये सेकेंड फोल्डर भी क्या करें, स्पेसिफिक जिप के इनसाइड इंक्लूड कर लें। तो अगर हम इसको डबल क्लिक करके देखें तो यहाँ पे दोनों वेबसाइट एक ही फाइल के अंदर, जिप फाइल के अंदर अवेलेबल हैं। तो आपने एक ही फाइल अपलोड करनी है, इन दोनों फोल्डर्स को अलग-अलग एक ही फाइल के अंदर आप जिप करें और सीएमएस पे अपलोड कर दें। तो ये सिंपल आपने प्रोसेस करना है ड्यूरिंग अपलोड, क्योंकि मल्टीपल फाइल्स आपकी अपलोड नहीं होंगी। मेक श्योर करें जो भी आप अपलोड कर रहे हैं वो करेक्ट फाइल है, उसके अंदर डाटा आपका क्या है करेक्ट है। बहुत रेयर केसेस में अलाउ होगा कि आप क्या करें उसको रीसबमिट कर सकें अगर कोई आपके पास एरर आ जाता है। तो कोशिश करें 3, 4, 5 घंटे पहले अपनी असाइनमेंट को अपलोड कर दें। तो अगर आपकी असाइनमेंट प्रॉपर टाइम पे अपलोड ना हुई, देन देर विल बी नो ऑप्शन कि आप उसको ईमेल करें, व्हाट्सएप करें या प्लान चीज करें। फिर कुछ लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया है, विंडोज़ करप्ट हो गई है। तो मेक इट फास्ट, उसको ठीक करें, और अभी आपके पास ऑलमोस्ट 1 दिन है अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करें। क्योंकि ये असाइनमेंट मेरे ख्याल में आपको 2 या 3 वीक्स हो चुके हैं, असाइनमेंट आपने को बताए हुए कि ये आपने असाइनमेंट क्रिएट
करनी है, तो देर विल बी नो एक्सटेंशन एंड नो एक्सक्यूजेज, क्योंकि लेटर अभी हमने बहुत सारा काम भी करना है। तो नाउ हम आज के लेक्चर के कंटेंट पे मूव करते हैं। जो टुडे हमारे टास्क हैं एक डिज़ाइन से रिलेटेड है, कि हम देखेंगे कि हम एक टेबल कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी वेबसाइट पे जाएं, लेट्स सपोज हम मूव करते हैं कंटेंट के इनसाइड बूटस्ट्रैप में, तो मल्टीपल आपने ये टेबल्स देखे होंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो एक टेबल की फॉर्मेट में आपको डिस्प्ले हो रहा होता है, जहाँ पे आपके कोर्सेज कोड, कोर्स नेम एंड GPA कितना है, आपका मार्क्स कितने हैं, इस टाइप का टेबल आपने क्रिएट किया हुआ होता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे इस टेबल को हम कैसे मर्ज करेंगे। HTML के इनसाइड एक पेज हम सिंपल फोर क्रिएट करेंगे। डिज़ाइन हम देखेंगे यूज़ करेंगे यूजिंग बूटस्ट्रैप। सेकंड हम देखेंगे कि अगेन हाउ टू कनेक्ट डेटाबेस। फिर हम एक टेबल से डेटाबेस के टेबल से डेटा कलेक्ट करके HTML में टेबल में उसे कैसे डिस्प्ले करेंगे। तो फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम अपना XAMPP एंड SQL सर्विस को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दीज आर ऑलरेडी स्टार्टेड, तो हम मूव करते हैं लोकल होस्ट PHP माय एडमिन। तो हमने एक सिंपल डेटाबेस लास्ट टाइम क्रिएट किया था, लेट्स से ब्लॉग के नाम से, आई थिंक दिस वन, न्यू डेटाबेस के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट किया था, उसमें हमने एक ही यूज़र ऐड किया था। लेट्स सपोज हम एक क्यूरी राइट करते हैं यहाँ पे, विच बिलोंग्स टू, हम आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर और देन प्रेस करेंगे गो। तो क्यूरी एग्जीक्यूट हुई इस टेबल में। सेलेक्ट स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक इट मीन ऑल द रोज एंड कॉलम्स आप क्या करें टेबल के डिस्प्ले करवाएं। तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रोज, हमारे पास ये टेबल आ गया। तो हम चाह रहे हैं ये जो डाटा इस टेबल में पड़ा हुआ है, हम एक्चुअली बूटस्ट्रैप के यहाँ पे इस टेबल में समहाउ डिस्प्ले करवाएं। इन अदर वर्ड्स, हमारे हेडर्स पे क्या हो, इसे टेबल का आप बेसिकली क्या कहते हैं, ये टेबल हेड है एंड दीज आर द रोज, इन अदर वर्ड्स डेटा आइटम्स। तो हमारा टेबल आईडी के अंदर तीन कॉलम्स हों, इसमें कितने कॉलम्स हैं, 1, 2, 3, 4, जबकि हमारे टोटल टेबल्स में जो कॉलम्स हैं वो क्या हैं, 3 हैं। फर्स्ट वन इज़ यूज़र आईडी, तो यहाँ पे यूज़र आईडी डिस्प्ले हो। यूज़र ईमेल, तो यहाँ पे यूज़र ईमेल हो। एंड थर्ड कॉलम पासवर्ड, तो मोस्ट ऑफ द केसेज हम पासवर्ड डिस्प्ले नहीं करवाते, तो लेट्स से फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडेबिलिटी हम ये तीनों वेरिएबल या तीनों एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। उसके नीचे उस टेबल के अगेंस्ट जो भी डाटा है इस टेबल में हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं यूजिंग सेलेक्ट क्यूरी। सो बेसिक हम ये देखेंगे कि सेलेक्ट क्यूरी कैसे हम टेबल से डाटा गेट करेंगे और उसको HTML के साथ PHP का कोड हम मिक्स कैसे करेंगे। सो ये बेसिक आज का हमारा टास्क है। तो लेट्स स्टार्ट विद ए सिंपल, एक हमने लॉगिन फंक्शन देखा था, हम सिंपल फाइल्स क्रिएट करेंगे। लेटर ऑन नेक्स्ट वीक से हम आएंगे अपने प्रोजेक्ट पे। इन अदर वर्ड्स, एक जैसे हमने HTML CSS का एक कम्प्लीट डिज़ाइन क्रिएट किया था, इस तरह हम एक डायनामिक कम्प्लीट वेबसाइट क्रिएट करेंगे जिनके अंदर कंसेप्ट यही यूज़ होंगे जो आपने ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर ली है। तो ये अगर आप स्मॉल स्मॉल कोड हर लेक्चर का खुद से डेवलप कर लेंगे, तो होप्स इसी आइडियाज को यूज़ करते हुए आप कंप्लीट डायनामिक वेबसाइट को बिल्ड कर सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद ए न्यू फाइल और उसको हम नाम दे देते हैं यूज़र डेटा या यूज़र रिकॉर्ड .php के नाम से। तो अगर हम अपने लॉगिन .php पे आएँ तो somehow हमारा HTML हेड तो वही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर हमने डिफरेंट स्टाइल शीट एंड डिफरेंट चीज़ों को हमने क्या किया हुआ है, मैनेज किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इस हेड को कॉपी कर लेते हैं ताकि बार बार चीज़ें हमें परफॉर्म ना करनी पड़े, या इसी कोड को कंप्लीट कॉपी
यूजर रिकॉर्ड में हमने क्या कर दिया, सेव जो अनवांटेड कोड है जो हम नहीं रखना चाह रहे, तो वो पीएचपी का दिस कोड जो ये लॉगिन से रिलेटेड था, क्लोज हेड फाइल, फिर नेविगेशन बार हमारी उसी तरह ही रहेगी, लॉगिन सेक्शन हमें अब नहीं चाहिए फॉर द टाइम बिंग क्योंकि हमें यहाँ पे टेबल सेक्शन को ऐड करना है। तो सिमिलरली हमारे पास काफ़ी नेव बार एंड फुटर एंड दिस, सो डेट्स इट। तो हमने जो डिफरेंट सेक्शन था यहाँ से वो हमने क्या किया, जो फॉर्म सेक्शन था रिमूव कर दिया। तो नाउ लेट्स ओपन डेट पेज इनटू लोकल होस्ट। पीएचपी बेसिक्स के बजाय हमारे पास है एक्चुअली यूजर रिकॉर्ड डॉट पीएचपी। तो ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड इट्स मीन हमने जो यूआरएल राइट किया है वो करेक्ट नहीं है। तो हमारे फोल्डर का नाम क्या है, वेबसाइट टू के नाम से है, तो हमने जो फोल्डर का नाम लिखा है वो पीएचपी बेसिक है, तो वेबसाइट टू यूजर रिकॉर्ड डॉट पीएचपी। तो हमारे पास उसी तरह ही क्या डिस्प्ले हो रही है, नेविगेशन बार एंड फुटर प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहा है। तो हम इन दोनों के दरमियान में अब कंटेंट ऐड करेंगे, जिसे हम क्या कह रहे हैं पीएचपी एचटीएमएल टेबल बूटस्ट्रैप टेबल। तो डिफरेंट डिज़ाइन अवेलेबल हैं यहाँ पे, लेटर ऑन जब आपके एक्सपर्टीज मोर हो जाएंगे तो आप इस टेबल को कम्प्लीटली चेंज भी कर सकते हैं। तो लेट से हम कौन सा डिज़ाइन पिक कर लें, मे बी दिस वन, जिस पे आपका अगर माउस रो पे मूव करें तो वो क्या हो रहा है, हावर डिस्प्ले हो रहा है। तो ये आपके टेबल का कोड है, तो अगर हम इस कंप्लीट कोड को क्या करें, कॉपी एंड यहाँ पे हम क्रिएट कर देते हैं एक सेक्शन, इसको आईडी हम दे देते हैं लेट से टेबल। सिमिलरली एक हम कंटेनर क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि एवरीथिंग गोज इनसाइड ए कंटेनर, दिस क्लास कंटेनर, एंड इस कंटेनर के इनसाइड हम सिंपल अपना जो कोड कॉपी किया था टेबल का वो हम ऐड कर देते हैं। तो HTML टैग अवेलेबल है टेबल को डिस्प्ले करवाने के लिए, वो क्या है टेबल, और जो बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं जो टेबल को प्रॉपर तरीके में फॉर्मेट या डिज़ाइन कर रही हैं वो एक क्या है टेबल एंड टेबल हॉवर। टेबल हॉवर क्लास यूज़ करेंगे तो आपकी हर रो क्या होगी, जब आप उसमें माउस मूव करेंगे तो वो डिस्प्ले किस फॉर्मेट में होगी, थोड़ा सा उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कॉलम पोज फर्स्ट लास्ट हैंडल हमारे पास यही टेबल है, एड टेबल हॉवर टू इनेबल हावर स्टेन टेबल रोज विद इन ए टेबल बॉडी, तो कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सो नाउ हमारे पास ये टेबल आ गया, अब इसको हम ज़रा रिव्यू कर लेते हैं अपने स्पेसिफिक एलिमेंट में, इसको हम रिफ्रेश करें तो एज इट इज़ जो टेबल हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हमारे पास डिस्प्ले हो गया। इसमें ऑलरेडी स्टैटिक डाटा अवेलेबल है जो कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्पेसिफिक ये एलिमेंट चेंज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली हमारे डेटाबेस के एट्रीब्यूट्स या नेम्स हमने डिस्प्ले करवाने हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो कॉलम है, तो फर्स्ट आपके पास टेबल के बाद आपके पास जो टैग यूज होता है वो टी हेड है। टी हेड टैग एक्चुअली इस स्पेसिफिक रो को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे आपने कॉलम्स के नाम्स को डिफाइन करना है। तो टी हेड में हमें एक्चुअली कितने कॉलम चाहिए, तीन। तो फर्स्ट तो हम कह लेते हैं इससे यूज़र आईडी, सेकंड हमारे पास क्या था यूज़र ईमेल, एंड थर्ड वन हमारे पास क्या पासवर्ड था। तो मोस्टली हम पासवर्ड एक्चुअली डिस्प्ले नहीं करवाते, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडेबिलिटी हम क्या कर रहे हैं पासवर्ड को डिस्प्ले करवा। सो हर हेड के अगेंस्ट अगर आपके पास यहाँ पे टी एच हैं तो आपके टी बॉडी यानी कि टेबल बॉडी के एंड साइड क्या होने चाहिए, तीन रोज हैं बेसिकली। अगर आप देखें तो हमारे पास 1, 2, 3 रोज हैं और हर रो के अंदर जो टेबल डाटा है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टी डी मार्क या टी डी ऑटो, तो ये कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 1, 2 एंड 3।
लेट्स से हमें कितने रोज चाहिए? अभी तक हम 3 ही रखना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो टेबल हेड हैं वो कितने हैं? 3। तो यहाँ से हम एक एक हेड TD क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, क्योंकि एक्चुअली हमें कितने चाहिए एलिमेंट? ओनली 3। हमारे टेबल में कितने एट्रीब्यूट्स हैं? 3 एट्रीब्यूट्स हैं। तो रिफ्रेश करें तो अगेन हमारे पास अब 3 एट्रीब्यूट्स रह गए हैं बाय डिफॉल्ट, और ये हमारे पास क्या हैं? 3 कॉलम्स। तो यहाँ तक आपको सिंपल हमने क्या किया, बूटस्ट्रैप के टेबल को यूटिलाइज किया एंड इट प्रोवाइड ए नाइस हॉवर इफेक्ट। अब हम चाह रहे हैं कि ये जो डाटा इस डेटाबेस के टेबल के इनसाइड है वो हम इस टेबल पे क्या करें, रिप्रेजेंट करवाएं। तो ऑब्वियसली हमें इस स्पेसिफिक पेज को कनेक्ट करना पड़ेगा डेटाबेस के साथ। लेट्स से कि जब ये पेज लोड हो तो ये पेज पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करे डेटाबेस के साथ। देन अगेन हमारे पास उसके अलावा तो और कोई डाटा नहीं है, फॉर्म तो है नहीं है ये कि हम डाटा पोस्ट या गेट करेंगे। तो डायरेक्टली आप क्यूरी करें डेटाबेस से, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें कंप्लीट, एंड यहाँ पे वन बाय वन डिस्प्ले करवाएं। तो एक्चुअली टास्क जो है अंडरस्टैंड करना है हाउ टू गेट डाटा, ये कंप्लीट टेबल हम कैसे डेटाबेस से गेट करेंगे, और इसको इस टेबल के इनसाइड स्टेप बाय स्टेप कैसे डिस्प्ले करवाएंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट रो की यूज़र आईडी यहाँ पे डिस्प्ले हो, फर्स्ट रो के इनसाइड जो यूज़र ईमेल है वो क्या है, hello@gmail.com, वो इस लोकेशन पे डिस्प्ले हो, एंड इसके अगेंस्ट जो पासवर्ड है 123 वो इस लोकेशन पे डिस्प्ले हो। सिमिलरली फिर हम सेकेंड रो इस टेबल की पिक करें और इसको यहाँ पे क्या करें, डिस्प्ले करवा दें। तो लेट्स से ये टेबल की रो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती रहें, अगर यहाँ पे 10 एलिमेंट्स हैं तो ये रोज भी क्या हो जाएं, 10 हो जाएं। तो उसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल मूव करना पड़ेगा PHP कोड की तरफ। तो PHP कोड जब भी हमने राइट करना है तो कैसे राइट करना है, बिटवीन टू PHP टैग। तो अब हमारे पास कोई फॉर्म तो है नहीं है कि हम इफ की कंडीशन अप्लाई करें, इफ इफ सेट एंड दिस एंड दैट। तो अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे और क्यूरी परफॉर्म करेंगे कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र, जैसे हमने PHP माई एडमिन के अंदर ये क्यूरी परफॉर्म की थी। तो वी स्टार्ट विद द PHP कोड, जाके आपको आइडिया हो गया कि हम क्या बात कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है कि हर पेज के साथ आपको डेटाबेस, क्योंकि अब आपने डेटाबेस से इंटरेक्शन करनी है तो आपको डेटाबेस का कनेक्शन चाहिए। वो कनेक्शन लेट सपोज ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, राइट कर चुके हैं इस लोकेशन पे। तो लेट से हम कह रहे हैं कि कनेक्शन एस्टेब्लिश करें, एक वेरिएबल क्रिएट किया कनेक्शन, और PHP का फंक्शन कॉल किया जो ऑलरेडी MySQLi के अंदर बिल्ट इन है कि आप MySQLi को कनेक्ट करें या डेटाबेस को कनेक्ट करें विथ दीज 4 एट्रीब्यूट, कि वेब एड्रेस क्या है, आपके डेटाबेस का यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है एम्प्टी, क्योंकि अभी हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि लोकल होस्ट के अगेंस्ट जो आपका यूज़र नेम है वो रूट है, और पासवर्ड क्या है एम्प्टी, और कौन से डेटाबेस से कनेक्ट करना है, न्यू डेटाबेस। तो अगर ये कनेक्शन कलेक्टली एस्टेब्लिश हो जाए तो लेट से हम इको कराएंगे 1, अदरवाइज इको कराएंगे 0। तो लेट से मैं यहाँ पे इसकी कंडीशन ऐड कर देता हूँ, इफ कनेक्शन। तो अगर तो ये करेक्टली कनेक्ट होगा तो ये आपको कनेक्शन स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो लेट से सम लार्ज स्ट्रिंग ABCDEFG कुछ भी ये रिटर्न करेगा। तो अगर इफ की कंडीशन में आपके पास कुछ भी यहाँ पे आ जाता है, लेट से 123, तो इफ की कंडीशन बाय डिफॉल्ट क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। तो इफ की कंडीशन हमेशा एक ही दफ़ा फॉल्स होती है अगर इसके पास वैल्यू 0 हो। तो अगर कनेक्शन करेक्टली इस्टेब्लिश नहीं होगा तो ये फंक्शन आपको रिटर्न करेगा 0। तो अगर इफ 0 तो कंडीशन आपकी उस केस में क्या होगी, फॉल्स। तो लेकिन अगर कुछ भी ये वैल्यू रिटर्न कर दे तो ये कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। तो इफ ट्रू तो हम इको क्या करवा देते हैं, लेट से डेटाबेस कनेक्टेड, एल्स में हम क्या कह देते हैं को डेटाबेस नॉट कनेक्टेड। नाउ वी रिफ्रेश द पेज, रिफ्रेश हम पेज करेंगे तो हमारे पास
क्या डिस्प्ले हो रहा है, डेटाबेस कनेक्टेड, इसका मतलब है हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है, करेक्ट है, तो हमें हम इस सेल्स की ज़रूरत नहीं है, जिसको हम क्या कर देंगे यहाँ से रिमूव, क्योंकि हमें मेक श्योर हो गया है कि ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है 100% करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर हम इसी चीज़ को मैनुअली देखें पीएचपी माई एडमिन में, तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, हमने लिखा था लोकल होस्ट पीएचपी माई एडमिन। तो जब मैंने इंटर प्रेस किया तो एक्चुअली सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग एग्जीक्यूट हुई इस स्पेसिफिक यूआरएल के बिहाइंड पे, जो कि नॉर्मली इस लोकेशन पे भी वही हो रहा है जो आपने यहाँ पे राइट किया है। तो आपके पास डेटाबेस का कनेक्शन क्या हो गया, ओपन। फिर आपने कहा कि कौन सा डेटाबेस सेलेक्ट करना है, तो फर्स्ट तीन स्टेटमेंट ने क्या कहा कि लोकल होस्ट है, यूज़र नेम रूट है और पासवर्ड कुछ भी नहीं है, तो आपके पास ये पेज ओपन होगा। फिर फोर्थ आर्गुमेंट क्या कह रहा है कि इस पेज के इन साइड कुछ बहुत सारे डेटाबेसेज हैं, आपने किस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, तो हमने इस पर क्लिक करेंगे तो ये डेटाबेस हमारा क्या हो गया, एक्चुअली कनेक्ट हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्यूरी राइट कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम यूज़र टेबल, इस डेटाबेस के इन साइड एक टेबल है यूज़र, उसके साथ आप तो कनेक्ट करें और ये क्यूरी परफॉर्म करें, तो इस डेटाबेस टेबल के अंदर से जो भी वैल्यू होती हमें डिस्प्ले हो गई। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ तक क्या था कि हमने यूआरएल को ओपन किया, फिर न्यू डेटाबेस पे क्लिक किया। तो ये चीज़ जो हमने इस सॉफ्टवेयर पे या इस वेब इंटरफेस पे परफॉर्म की है, ये चीज़ परफॉर्म हो रही है विद दिस स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग, कि आपका एक्चुअली यूआरएल ओपन हो गया है लॉजिकली अगर आप इसे देखें, जो कि लोकल होस्ट है, यूज़र नेम रूट है, पासवर्ड एम्प्टी है, फिर हमने क्लिक किया न्यू डेटाबेस पे, तो एक्चुअली हम किसके साथ कनेक्ट हो गए, न्यू डेटाबेस। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने क्यूरी राइट करनी है, तो क्यूरी क्या हमने राइट करनी है, हम एसक्यूएल पे जाते हैं, तो इन अदर वर्ड्स हमने एक स्टेटमेंट क्रिएट करनी है जो कि एसक्यूएल स्टेटमेंट है, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम यूज़र। तो ये क्यूरी अगर हम क्रिएट करें और इसी को हम कह दें कि प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करें सेकंड स्टेप में, तो यही क्यूरी मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और मैं यहाँ के कहूँगा ओके। अगर आपने क्यूरी क्रिएट करनी है तो क्यूरी के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करें, डॉलर सिंबल क्यूरी, इक्वल टू एक स्ट्रिंग के अंदर इस क्यूरी को क्या कर दें, राइट कर दें, क्योंकि अब हमारे पास तो और कोई वेरिएबल है नहीं है जिसमें हम वेयर की कंडीशन भी अप्लाई करें। हमने बेसिकली क्या करना है, कंप्लीट टेबल को इस स्पेसिफिक टेबल के इनसाइड डिस्प्ले करवाना है। सो क्यूरी स्ट्रिंग हमने क्या कर ली, क्रिएट कर ली। नेक्स्ट स्टेप आप क्या कर रहे हैं, पीएचपी माई एडमिन पे इस गो के बटन को प्रेस करें, इन अदर वर्ड आप डेटाबेस को कह रहे हैं कि इस क्यूरी को स्पेसिफिक अपने सिस्टम पे एग्जीक्यूट करें। तो अगर यही चीज़ आपने प्रोग्रामेटिकली करनी है तो आप बेसिकली क्या लिखेंगे, गो के बटन को वहाँ पे जब क्लिक करने के बजाय पीएचपी में आप लिखेंगे माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर क्यूरी, उसको बताएंगे कि एक्चुअल हमारे पास कनेक्शन कौन सा है जिस पे क्यूरी एग्जीक्यूट हमने करनी है और क्यूरी क्या है जो हम एक्चुअल, या वो क्या स्टेटमेंट है जो हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, वो हमने वेरिएबल में स्टोर करवाई हुई है। तो लेट्स मूव टूवर्ड, वापस आते हैं हमने इस पर। तो एक्चुअली जो भी मैंने ये फंक्शन राइट किया है, दिस वन दिस इज सिमिलर टू क्लिक ऑन गो, गो पे जब आप क्लिक करेंगे क्यूरी एग्जीक्यूट होगी और वो रिजल्ट रिटर्न करेगी। अच्छा वो रिजल्ट क्या रिटर्न करेगी, जो भी इस क्यूरी का रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट अगेन किस फॉर्मेट में आ रहा है, एक टेबल की फॉर्मेट में। तो एक्चुअली ये टेबल आपको क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, जिसके अंदर तीन एट्रीब्यूट्स हैं एंड दो आपकी रोज हैं जिसके अंदर तीनों एट्रीब्यूट्स में कुछ डाटा स्टोर है। एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट गो के बटन पे क्लिक किया तो इसने हमें क्या रिटर्न करना है, कंप्लीट टेबल। तो वो कंप्लीट टेबल हम इसमें स्टोर करवा लेते हैं एक वेरिएबल डाटा में। तो नाउ अगर हमने डेटाबेस से कुछ टेबल से वैल्यूज लेनी है, हम पहले क्या करेंगे, कनेक्शन, फिर हम क्रिएट करेंगे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमने कौन सा डाटा कलेक्ट करना है, इन डेट केस हमारी रिक्वायरमेंट क्या है,
सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर, इन अदर वर्ड कंप्लीट यूजर का टेबल हमने गेट करना है, तो हम क्यूरी क्रिएट करेंगे, क्रिएट क्यूरी या क्रिएट स्टेटमेंट कह सकते हैं। फिर इस स्टेटमेंट को हम एक्चुअल एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, गो के बटन पे प्रेस करके ही प्रोग्रामेटिकली माई एस क्यू एल आई क्यूरी एग्जीक्यूट स्टेटमेंट एंड गेट रिजल्ट। तो ये क्यूरी जब आपकी एग्जीक्यूट हुई तो ये आपको क्या रिटर्न करेगी, कंप्लीट टेबल ऑब्जेक्ट। तो अगर हम इस टेबल ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा के देखते हैं, लेट्स से हम कहते हैं लेट्स से इको एंड डाटा क्या डिस्प्ले होगा, हम पेज पे वापस आते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। तो ऑब्जेक्ट माई एस क्यूएल जो रिजल्ट है वो कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग, तो इट मीन इको सिर्फ क्या डिस्प्ले करवा सकता है स्क्रीन पे अगर तो वो स्ट्रिंग वैल्यू है। अब डाटा क्योंकि आपने इसमें स्टोर करा है कंप्लीट टेबल ऑब्जेक्ट, तो वो एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास क्या है, प्रिंट आर। तो रिफ्रेश करें, थोड़ी प्रिंट आर और हमें क्या प्रोवाइड करने पड़ेंगी, ब्रैकेट ए। तो ऑब्जेक्ट MySQL और ऑब्जेक्ट जो हमने प्रिंट आर करवाया है, तो उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, उसके अंदर क्या स्टोर है, MySQL है रिजल्ट ऑब्जेक्ट। इन अदर वर्ड MySQL ने जो रिजल्ट दिया है वो ऑब्जेक्ट क्या है, इस डेटा में स्टोर है और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। फील्ड काउंट आपके पास कितनी है, एट्रीब्यूट्स आपके पास कितने हैं, तीन, और नंबर ऑफ रोज आपके पास कितनी हैं जो डिस्प्ले हुई हैं वो क्या हैं, दो हैं। तो दीज टूज आर मोर इम्पोर्टेंट हमारे इस केस में। तो अगर हम देखें कि फील्ड काउंट हमारे डेटाबेस में कितना है, तीन, हम देखेंगे 1, 2 and 3, दैट्स इट करेक्ट है। और नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास, दो, तो यहाँ पे भी कितनी है, दो रोज हैं, इट मीन जो हमारे रिजल्ट रिटर्न हुआ है वो एक्चुअली क्या है, टू है। तो अब ये रोज फर्दर क्या हैं, इट्स ए कम्प्लीट ऑब्जेक्ट, तो इन रोज के अंदर एक्चुअली ये वाला रिकॉर्ड क्या है, डिस्प्ले हो रहा है, पड़ा हुआ है, और जबकि फील्ड काउंट एक्चुअली फील्ड्स के अंदर क्या है, दीज एलिमेंट्स आर अवेलेबल। अच्छा, अब ये जो ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है इन द फॉर्म ऑफ एसोसिएटिव। तो लेट्स से हम मूव करते हैं आगे, तो मोर अंडरस्टैंड करेंगे एसोसिएटिव अरे जो आपने ऑलरेडी देख ली थी। तो अब हमने ये दोनों रोज क्या करनी है, डिस्प्ले करवानी है। तो पहले मैं एक सिंपल पीएचपी का हम स्क्रिप्ट राइट करते हैं, अभी हम एचटीएमएल के साथ पीएचपी को मिक्स नहीं करते। हम सिंपल क्या कहते हैं कि आप एक वाइल लूप अप्लाई करें, वाइल लूप के अंदर आप एक वेरिएबल क्रिएट करें रो इक्वल टू माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर फैच, एक फंक्शन हम न्यू देखते हैं अंडर स्कोर एसोसिएटिव, पास क्या करते हैं डेटा। ये फंक्शन अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं होता तो इससे पहले हम एक सिंपल विदाउट लूप एक कोड लिखते थे, हम कहते हैं कि एक वेरिएबल क्रिएट करें रो और फंक्शन कॉल करें माई एस क्यू एल आई का माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर फैच अंडर स्कोर एसोसिएटिव। ये जो MySQL fetch associative फंक्शन है इसका पर्पस क्या है, जो आपके पास डेटा ऑब्जेक्ट है अगर आप एक दफ़ा इसे कॉल करेंगे तो इट मीन इसकी फर्स्ट रो को क्या करें, एक्सट्रैक्ट करें और इसको किस में स्टोर करवा दें, इस वेरिएबल के अंदर। इन अदर वर्ड्स हम क्या कह रहे हैं कि ये जो फर्स्ट रो है ये कंप्लीट डेटा गेट करें और इसको स्टोर किस में करवा दें, रो में। तो अगर अब हम डिस्प्ले करें प्रिंट आर अंडरस्कोर रो, तो लेट्स सी हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। तो हमारे पास अब एरे एक क्रिएट हुई है, तो रो जो रिटर्न हुई है एक सिंगल रो किस फॉर्मेट में रिटर्न हुई है, इन द फॉर्म ऑफ एसोसिएटिव एरे, जिसका फर्स्ट इंडेक्स क्या है, जीरो इंडेक्स में यूजर आईडी है और उसकी वैल्यू क्या है, वन। यूज़र ईमेल सेकंड इंडेक्स है और उसकी वैल्यू क्या है, हेलो gmail.com।
थर्ड इंडेक्स क्या है पासवर्ड, और उसमें स्टोर क्या है 1 2 3। सो फेच करने के दो वे रहे, आप तो या तो एसोसिएटिव करके फेच करें, जो अरे आप गेट करना चाह रहे हैं एक एज ए रो वो या तो एसोसिएटिव हो या एक सिंपल क्या हो इंडेक्स रो। सो लेट्स से अगर आप सिंपल इंडेक्स रो करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इंडेक्स 0 पे क्या स्टोर है 1, इंडेक्स 1 पे क्या स्टोर है hello@gmail.com, इंडेक्स 2 पे क्या स्टोर है 1 2 3। लेकिन अगर आपका टेबल बहुत बड़ा हो, इन अदर वर्ड्स में 25 एट्रीब्यूट्स हैं, तो ये याद रखना कि किस नंबर पे कौन सा एट्रीब्यूट है इंडेक्स पे क्वाइट डिफिकल्ट। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इस वजह से हम जो फंक्शन यूज़ करते हैं वो कहते हैं, हम कहते हैं कि आप रो को एक्सट्रैक्ट करें, और रो को एक्सट्रैक्ट करें इन द फॉर्म ऑफ एसोसिएटिव एरे, कि जिसमें इंडेक्सेस आपके एक्चुअली क्या होंगे एट्रीब्यूट के नाम होंगे। तो अगर आप ये फंक्शन एक दफ़ा एग्जीक्यूट करेंगे तो फर्स्ट रो क्या होगी एक्सट्रैक्ट होगी। इन अदर वर्ड्स डेटा से लेट्स सपोज करें इस डेटा में क्या स्टोर है, ये टेबल स्टोर है, तो अगर आपने MySQL फेच एसोसिएटिव कहा तो फर्स्ट रो इस टेबल से डेटा से एक्सट्रैक्ट होगी और रो में स्टोर हो जाएगी। अगर हम यही फंक्शन दोबारा कॉल करें, अगर हम ये फंक्शन दोबारा कॉल करें और अब दोबारा प्रिंट आर करें, तो लेट्स सी कि हमारे पास कौन सी रो डिस्प्ले होगी। हम इसको क्या कर देते हैं, रिफ्रेश, तो ब्रेक लाइन ऐड कर देते हैं, इट विल बिकम मोर इजी टू अंडरस्टैंड। इको आर फर्स्ट टाइम अगर हमने फेच एसोसिएटिव अरे डेटा से पे किया तो हमारे पास यूजर आईडी क्या है 1, ईमेल क्या है hello@gmail.com एंड पासवर्ड क्या है 1 2 3। वही फंक्शन हमने डेटा पे सेकेंड टाइम अप्लाई किया तो हमारे पास कौन सी रो आई, सेकेंड रो आई। इट्स मीन अगर हम इस फंक्शन, हमारे पास अगर 10 रोज हैं तो अगर हम 10 टाइम्स ये फंक्शन एग्जीक्यूट करें तो हर फंक्शन एग्जीक्यूशन पे हमें नेक्स्ट रो मिलेगी। तो इन अदर वर्ड हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फर्स्ट टाइम अगर आपने फंक्शन कॉल किया है, ये रो पिक करें, यहाँ से डिलीट करें और इसको स्टोर किसमें, इस रो को करवा दें जो आपने वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, ये रो वेरिएबल इसमें क्या करें स्टोर करा दें। नेक्स्ट टाइम पे अगर आपने दोबारा कॉल किया तो इट मीन सेकेंड रो क्या होगी आपके डाटा से पिक होगी। अगर आप एक तीसरी दफ़ा कॉल करेंगे, लेट से अगर आपकी 3 रोज थी तो थर्ड रो आपको क्या होगी डिस्प्ले होगी। सो अगर यही काम हम मल्टीपल टाइम्स करने के बजाय यहाँ पे हम क्या कर दें, लूप अप्लाई कर दें, हम कहें कि वाइल या फॉर, इट्स अप टू यू, मोस्टली वाइल हम यूटिलाइज करेंगे। वाइल हर आइट्रेशन पे क्या करें, माई एस क्यू लाई फैच एसोसिएटिव डाटा, ये फंक्शन आप क्या कॉल करें। सो अगर तो उसको रो मिलेगी तो ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, कंप्लीट अरे एसोसिएटिव अरे एज ए रो। अगर तो उसको फंक्शन रो नहीं मिलेगी तो वो रिटर्न करेगा 0। तो देखें अभी तक हमारे पास 2 रोज थी, अब मैं दोबारा यही फंक्शन, ये कोड कॉपी करते हैं, दोबारा कॉल करते हैं और अब रो को डिस्प्ले करवा के देखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट तो हमारे पास है ही 2 रोज हैं, थर्ड टाइम अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। इसको अगेन रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास कोई भी रोज नहीं आ रही, इसका मतलब है माई एस क्यू एल फेच एसोसिएटिव हमें रिटर्न क्या कर रहा है 0, क्योंकि रो के इनसाइड अब आपका ऑब्जेक्ट या एरे नहीं है, वो क्या है एज ए स्ट्रिंग है। तो लेट्स सपोज हम इसको इको करा लें एंड रो, नो व्हाट विल बी डिस्प्लेड, सो नथिंग विल बी रिप्लेस या डिस्प्ले। इन अदर वर्ड थर्ड टाइम पे आपका ये जो फंक्शन 0 या इन इनवैलिड क्वांटिटी सेंड कर रहे हैं, इन अदर वर्ड्स अब कोई भी वैल्यू रो में स्टोर नहीं हो रही, क्योंकि उसने फाइंड करने की क्या कोशिश की थर्ड टाइम पे कि नेक्स्ट रो को फेच करें, नेक्स्ट रो तो एग्जिस्ट करती नहीं, तो उसने क्या रिटर्न कर दिया एम्प्टी वैल्यू, इन अदर वर्ड 0 वैल्यू। सो व्हाइल के इनसाइड जब आपको 0 मिलेगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, या ये लूप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि व्हाइल रो माई एस क्यू एल फेच, ये फंक्शन उस टाइम तक एग्जीक्यूट करते रहें जब तक आपको रो मिलती है, क्योंकि
और हर आइट्रेशन पे एक रो को पिक करें और इस वेरिएबल में स्टोर करवा दें। तो हमें पता है, अभी हमने ये एग्जांपल भी देखी, अगर एक दफ़ा ये एग्जीक्यूट होगा, हमारे पास जो एरे आएगी वो एरे क्या होगी, एसोसिएटिव एरे, जिसके इंडेक्सेस एक्चुअली क्या हैं, यूज़र आईडी, यूज़र ईमेल एंड पासवर्ड। और ये क्या स्टोर है, इनमें वैल्यू स्टोर हैं उस स्पेसिफिक इंडेक्सेस के अगेंस्ट। तो अगर यहाँ पे मैं इको करवा दूँ फर्स्ट इंडेक्स, अब हमें पता है कि हमारे पास एरे रो है, उसका इंडेक्स क्या है, अब 0 1 के बजाय क्योंकि एसोसिएटिव है तो हमारे पास उसका इंडेक्स है यूज़र आईडी। इन अदर वर्ड्स, आपके जो एट्रीब्यूट जिस सीक्वेंस से आपने लिखे हुए हैं उसी सीक्वेंस से आपके इंडेक्सेस क्या हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं। तो फर्स्ट इंडेक्स क्या बन जाएगा, यूज़र आईडी। सेकंड इंडेक्स हम यहाँ पे कह देते हैं लेट्स से इको यूज़र आईडी। तो इस कोड को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, तो वही कोड है लेकिन उसको हमने किस में ऐड कर दिया है, वाइल में, कि हर आइट्रेशन पे आप क्या करें, रो को पिक करें और उसको स्टोर किस में करवा दें, एक वेरिएबल जो हमने यहाँ पे रो के नाम से बनाया है। और फिर क्या करें, लूप के इनसाइड आएं और जो अरे इस रो के अंदर एग्जिस्ट कर रही है उसको वन बाय वन हम क्या करना चाह रहे हैं, डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट मैं कहूँगा इको एंड रो, सेकेंड एलिमेंट अब हमें याद है वो क्या है, यूज़र अंडरस्कोर ईमेल। हम यहाँ से डेटाबेस से भी देख सकते हैं वो क्या है, यूज़र अंडरस्कोर ईमेल। एंड थर्ड हमारे पास क्या है, यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड, यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड ही है। लेट से हम उसको डेटाबेस में देख लेते हैं, ओनली पासवर्ड नॉट यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड, तो हम क्या कहेंगे एज ए पासवर्ड। तो सेव करें और हर आइट्रेशन के बाद हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इको बी आर, ताकि नेक्स्ट लाइन पे ये एलिमेंट क्या हो, डिस्प्ले हो। तो रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास क्या डिस्प्ले हो रहा है, अब सिंपल वैल्यूज डिस्प्ले हो रही हैं। पहले अगर आप प्रिंट आर करेंगे तो कंप्लीट अरे डिस्प्ले हो रही है। अब हमारे पास अलग अलग से क्वांटिटीज आ रही हैं, वन हमें पता है कि फर्स्ट इको जो हमने किया वो क्या आईडी थी, सेकंड इको जो हमने किया यूज़र ईमेल तो वो फर्स्ट डिस्प्ले हुआ, फिर उसका पासवर्ड, फिर लूप आपका वापस किया, नेक्स्ट लाइन आपकी डिस्प्ले हुई, लूप आपके वापस किया, अगेन नेक्स्ट रो को उसने क्या किया, फेच किया और उसको स्टोर अगेन किस में करा दिया, रो में। तो सेकेंड रो का रिकॉर्ड क्या होगा, डिस्प्ले होगा, नेक्स्ट लाइन आपकी इको होगी। जब हम लूप में वापस जाएंगे तो अगेन अगर वो नेक्स्ट रो आप फाइंड करेगा, लेकिन नेक्स्ट रो तो एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये आप फंक्शन आपको रिटर्न करेगा जीरो या एम्प्टी। तो वाइल एम्प्टी इसका मतलब क्या है, या वाइल जीरो लूप को क्या करते हैं, टर्मिनेट, तो सिंपल आपकी 2 रोज क्या होगी, डिस्प्ले होगी। तो हो सो यहाँ तक का तो आपको आइडिया हो गया। तो ये दोनों रोज क्या हो रही हैं, डिस्प्ले हो रही हैं। तो अब देखें कि फर्स्ट इको कहाँ पे हो रहा है, ये सेकेंड इको ये है एंड थर्ड इको लूप के इनसाइड ये है। तो अगर हम इस स्पेसिफिक इको को सम हाउ यहाँ पे ले आए कि ये लूप जब एग्जीक्यूट हो तो ये रो जनरेट हो और ये जो वन है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो, hello@gmail.com इस लोकेशन पे डिस्प्ले हो एंड 1 2 3 इस लोकेशन पे डिस्प्ले हो, जब लूप वापस जाए तो एक और रो जनरेट हो जिसमें 2 इस लोकेशन पे हो, admin@gmail.com यहाँ पे डिस्प्ले हो एंड 4 5 6 यहाँ पे डिस्प्ले हो। सो अगर हम इस लूप को लेट से हम हेड को कोलैप्स कर देते हैं, सम हाउ इन रोस पे ऐड कर लें, अगर ये लूप लेट पोज करें यहाँ पे क्या है, स्टैटिक 3 रोज हैं, टी बॉडी के इनसाइड 3 TR हैं, इन अदर वर्ड्स स्टेबल रोज 3 रोज हैं। तो अभी हम एक सिंपल लूप अप्लाई करके देखते हैं, क्या हम इसको रन टाइम पे रोज को चेंज कर सकते हैं। लेट्स से ये 2 रोज में रिमूव कर देता हूँ। इस टी बॉडी पे हम एक पीएचपी का कोड राइट करते हैं, पीएचपी यहाँ पे मैं कहता हूँ $i = 0, ठीक है, टैग क्लोज, और यहाँ पे हम कहते हैं वाइल। तो एक्चुअली हम i को $i = 10 कह लेते हैं,
सो वाइल आई इक्वल इक्वल टू, या वाइल सिंपल आई, तो ये आप क्या करें, लूप को यहाँ से स्टार्ट करें। सो लूप को स्टार्ट करें, लेकिन लूप को एंड कहाँ पे करें, इस एच टी एम एल लूप को ऐड कर दें, या इस एच टी एम एल स्पेसिफिक जो आपका कोड है इसको लूप के इन साइड हम ऐड करना चाह रहे हैं। तो इट मीन ये लूप टर्मिनेट होगा आपका इन रोज के बाद। एंड आपको यहाँ पे क्या राइट करना पड़ेगा, पी एच पी का कोड, और ये ब्रैकेट जब आप राइट करेंगे तो ब्रैकेट आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि इस क्लोजिंग ब्रैकेट की ओपनिंग ब्रैकेट क्या है, दिस वन, और आप इस टैग को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लोज। यहाँ पे हम कह देते हैं लेट्स से हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, आई इज इक्वल टू ज़ीरो कब तक चले, जब तक आई लेस देन क्या है 10, और लूप के एंड पे हम क्या कर लेते हैं आई प्लस प्लस, या आई इज इक्वल टू डॉलर आई प्लस 1। तो बेसिकली हमने क्या किया कि हमने पहले ये लूप अप्लाई किया था, वो सिंपल पीएचपी में था, अब हमने एचटीएमएल एक सिंपल कोड को इस लूप के अंदर ऐड कर दिया। तो ये अब बेसिकली क्या होगा कि जब ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो हर आइट्रेशन पे आपका ये कोड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इन अदर वर्ड्स क्या होना चाहिए, अब हमें 10 रोज डिस्प्ले होने चाहिए और उसके अंदर डाटा क्या होना चाहिए, 1 मार्क एंड ऑटो। तो अगर हम इसको रिफ्रेश करें, देखें आपकी कितनी रोज जनरेट हो रही हैं, 10 रोज जनरेट हो रही हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं 3 रोज जनरेट करना तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेट्स से हम कहते हैं 3, तो आपकी रोज कितनी जनरेट हो गई HTML में। तो इन अदर वर्ड्स आपने PHP को यूज़ करते हुए HTML के कोड को बार बार रिपीट किया। तो जस्ट आपने PHP का लूप अप्लाई किया, ये HTML का कोड क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो 2 मिनट की आप ब्रेक लें, अजान के बाद हम दोबारा यहीं से स्टार्ट करेंगे। वेलकम बैक। तो होप सो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी कि एक सिंपल लूप के थ्रू हम HTML के कोड को कैसे रिपीट कर सकते हैं। तो अगर हम अपने इस कोड को मैच करें इस कोड के साथ, तो हम ये कह सकते हैं
ये HTML के रो कितने रिपीट हों, जितने MySQL फेच एसोसिएटिव डाटा के अंदर रोज पड़ी हुई हैं। तो अगर हम वाइल के अंदर ये कोड यहाँ से पिक करें, कॉपी, और हम सॉरी इस स्पेसिफिक वाइल के इनसाइड क्या करते हैं, इसे ऐड कर दें। तो जहाँ पे हमने लेस देन 3 लिखा हुआ था, अब ये रोज कितनी दफ़ा रिपीट होंगी, अगर फैच एसोसिएटिव 10 टाइम चलेगा तो 10 टाइम ये क्या होंगी रो रिपीट होंगी। लेकिन हमारे टेबल में दो रोज हैं तो हमने इसको कितनी दफ़ा रिपीट करना है, टेक्निकली 2 टाइम। तो इस आई की हमें अब कोई ज़रूरत नहीं है, ओनली ब्रैकेट क्लोज है हमारे पास एंड ब्रैकेट ओपनिंग। आई वेरिएबल की भी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको सेव करते हैं, रिव्यू करते हैं कि हमारी रोज कितनी दफ़ा रिपीट हो रही हैं। तो ज़ीरो टाइम वाई, इसकी रीज़न क्या है? तो अगर इसकी रीज़न फाइंड करें तो हमने क्या कहा था, वेरिएबल का हमेशा क्या होता है, स्कोप होता है इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान में। तो अगर आपने रो को क्रिएट किया हुआ है इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान में, तो जब फंक्शन टर्मिनेट होगा इस रो के इनसाइड जो कुछ भी पड़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास कोई भी रो अवेलेबल नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम ये फंक्शन अप्लाई कर चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जब थर्ड टाइम फैच एसोसिएशन दोबारा करेंगे तो हमारे पास तो कोई डाटा नहीं आएगा। एक्चुअली इस कोड को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं यहाँ से, और यही कोड हमने यहाँ पे राइट करना है। टेक्निकली लेट से हम इसको रिमूव नहीं करते, कमेंट कर देते हैं ताकि यहाँ से आपको अंडरस्टैंडेबिलिटी रहे। सेव एंड नाउ हम को रिफ्रेश करें तो हमारे पास कितनी रोज डिस्प्ले हो रही हैं, दो रोज। तो एक्चुअली हम अपने टेबल में देखें तो टेबल में भी हमारे पास कितनी रोज हैं, दो रोज हैं। इसका मतलब है कि ये जो स्पेसिफिक HTML का लूप है, ये HTML को कितनी दफ़ा रिपीट कर रहा है इस रो को, दो टाइम। तो इट मीन दैट विल बी करेक्ट। तो अब हमने यहाँ पे तीन टाइम्स इको किया हुआ था। तो अगर ये फर्स्ट इको में, अब हमें पता है टेबल की जो फर्स्ट रो है वो किसके लिए है, यूज़र आईडी के लिए। तो फर्स्ट टाइम अगर ये इको मैं यहाँ पे करवा दूँ इस पीएचपी टैग के इनसाइड, तो जो भी पीएचपी का कोड होगा वो टैग के इनसाइड होगा। तो इसको हम रिफ्रेश करें, तो डिस्प्ले क्या हो रहा है, 1 एंड यूज़र आईडी 2 क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। जो यहाँ पे पहले डिस्प्ले हो रही थी 1 एंड 2, उसको इस लोकेशन पे हमने क्या कर दिया, इको करवा दिया। सेकंड जो इको था हमारा वो क्या था, एक्चुअली यूज़र ईमेल। अब हमें पता है कि यूज़र ईमेल की जो लोकेशन है वो टेबल में रो में कहाँ पे है, सेकंड मार्क्स पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पीएचपी क्या करेंगे, डिस्प्ले करवा देंगे वही आपकी जो रो है उसको, तो रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे अब क्या डिस्प्ले हो रहा है, यूज़र की ईमेल डिस्प्ले हो रही है। एंड थर्ड जो हमारा एसोसिएटिव अरे के अंदर वेरिएबल आ रहा है वो पासवर्ड, वो पासवर्ड हम इस स्पेसिफिक लोकेशन पे डिस्प्ले करवा देते हैं। ओके, हमने पीएचपी का टैग अप्लाई नहीं किया, तो पीएचपी एंड दिस इज योर क्लोजिंग पीएचपी। इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप पासवर्ड भी आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। तो अगर आप नोटिस करें तो एग्जैक्टली वो डाटा जो यहाँ पे अवेलेबल है वो इस लोकेशन पे भी डिस्प्ले हो रहा है। सो नाउ लेट्स ऐड, हम यहाँ पे डेटाबेस के इनसाइड एक और रो ऐड कर देते हैं और पेज को देन रिफ्रेश करके देखते हैं क्या थर्ड रो जो अभी हमने न्यूली ऐड किया वो भी डिस्प्ले होगी या नहीं डिस्प्ले होगी। क्योंकि अकॉर्डिंग टू अवर कोड आप क्या करें, सेलेक्ट करें फ्रॉम यूजर्स डाटा, जितना भी डाटा अवेलेबल है उसको स्टोर किस में करा दें, इस वेरिएबल में, और हर आइट्रेशन पे एक रो को फेच करें और उसका डाटा इको करवाएं। तो लेट्स से अभी हमारे पास दो रोज थी तो दो रोज डिस्प्ले हुए, तो हम ये चेक कर लेते हैं कि अगर हम थर्ड रो एक और ऐड करें, लेट्स से हम इंसर्ट करते हैं थर्ड यूज़र आईडी, यूज़र को हम कह देते हैं इट्स अ चेक ईमेल एट gmail.com और पासवर्ड हम रख देते हैं चेक, वो का बटन प्रेस करेंगे। तो नाउ ब्राउज, तो हमारे पास यूज़र टेबल के इनसाइड तीन वैल्यूज आ रही हैं। तो
नाउ अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो अब दो के बजाय यहाँ पे कितनी वैल्यू शो होनी चाहिए, तीन रोज डिस्प्ले होने चाहिए। इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपकी थर्ड रो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो इन अदर वर्ड्स अगर यहाँ पे 10 रिकॉर्ड्स हैं तो 10 पे 10 क्या होंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड डिस्प्ले होने चाहिए। तो नाउ अब अपने डेटाबेस में कोई तो डेटाबेस देख लेते हैं जहाँ पे डिफरेंट हमारे पास क्या हो। अगेन दिस इज अवर यूजर टेबल और इसमें कॉलम्स क्या हैं, इसको अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास लेट्स सपोज करें अगर हम ब्लॉग डेटाबेस पे काम करना चाह रहे हैं तो एक और हम कोड को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो अब हमारे पास यहाँ पे कितने एट्रीब्यूट्स हैं, यू आई डी, यू नेम, यू ई मेल, यू टाइप एंड यू पासवर्ड। तो ये हमारे एट्रीब्यूट्स के नाम हैं। तो हम कह रहे हैं कि इस डेटाबेस के इनसाइड जो टेबल है यूज़र, उसमें जितने रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं वो क्या करें, डिस्प्ले करवाएं। तो अगेन अगर आपको कोई टास्क दे दे, अभी तो आपने जो डेटाबेस में टास्क किया वो न्यू डेटाबेस का है, तो अब हमें न्यू डेटाबेस के बजाय ब्लॉक डेटाबेस को सबसे पहले क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो इसी कोड को हम दोबारा चेंज करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, ब्लॉक डेटाबेस को कनेक्ट करें, सेव। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि क्रिएट स्टेटमेंट। अच्छा, अब हमें पता है कि अब हमारा जो डेटाबेस के साथ कनेक्शन है वो ब्लॉक डेटाबेस के साथ है। वहां से हमने किसी टेबल से वैल्यू को या टेबल का रिकॉर्ड पिक करना है, तो उस टेबल का नाम क्या है, अगर हम अपने डेटाबेस में देखें तो इस टेबल का नाम क्या है, यूज़र। तो हमारी सेलेक्ट की क्यूरी क्या हो जाएगी, यूज़र। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन अब हमारे पास जो टेबल हेड के इनसाइड कॉलम्स हैं वो कितने हैं, यहाँ पे तीन हैं, और इस टेबल में हमारे पास कितने हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो फर्स्ट क्या है, आईडी, सेकंड नेम है, थर्ड ईमेल है, फिर टाइप है एंड पासवर्ड है। तो इसमें हमें अपने एचटीएमएल को भी क्या करना पड़ेगा, इस टेबल के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम वापस आते हैं अपने टेबल पे, तो टी हेड के इनसाइड फर्स्ट हमारे पास क्या है, आईडी, वो इसमें भी ऐसे ही है। फिर सेकंड हमारे पास क्या है, यू नेम। तो यूज़र ईमेल के बजाय यहाँ पे क्या है, यूज़र नेम। तो हमें यहाँ पे क्या राइट करना पड़ेगा, यूज़र नेम। थर्ड हमारे पास डेटाबेस के अंदर कॉलम का नाम क्या है, यू ई मेल। तो हम इसे यहाँ पे क्या कह देंगे, इसे यूज़र ई मेल। फिर हमें एक और वैल्यू भी चाहिए तो हम इसी को यहाँ पे टेबल्स को यहाँ टी एच को कॉपी कर लेते हैं। और फोर्थ वैल्यू बेसिकली क्या है, यूज़र टाइप। तो हम कह देते हैं इसे यूज़र टाइप। एंड लास्टली हमारे पास क्या है, अगेन पासवर्ड। तो अगेन हमें को टी एच टेबल हेड क्रिएट कर लेते हैं, इन अदर वर्ड्स कॉलम, और इसको हम क्या कह देते हैं, यूज़र पासवर्ड। तो अगर हम यहीं तक इसी कोड को एग्जीक्यूट करें तो देखते हैं हमारे पास एरर क्या आता है। तो रिफ्रेश करेंगे, अनडिफाइंड इंडेक्स यूज़र अंडरस्कोर आईडी। तो फर्स्ट टाइम जब ये लूप ने रो को एक्सट्रैक्ट किया, अब रो कौन सी एक्सट्रैक्ट होगी या डेटा के अंदर कौन सा टेबल पड़ा हुआ है, दिस वन। तो जब आप फेच करेंगे एसोसिएटिव अरे को तो आपके पास जो एसोसिएटिव अरे आएगी वो क्या आएगी, जिसका फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा, यू आई डी, सेकेंड इंडेक्स क्या होगा, यू नेम, यू ई मेल। जबकि हमने यहाँ पे जो इको करवाया हुआ है तो वो तो क्या है, यूज़र आईडी। इसका मतलब है जो इंडेक्स इस टेबल से हमें मिल रहे हैं एज ए कॉलम एट्रीब्यूट, उनके नाम क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो हम इको यहाँ पे क्या कर लेंगे, यू आई डी। सेकेंड हमारे पास क्या है, वो क्या है, यू नेम। थर्ड हमारे पास टी डी के अंदर क्या है, यू ई मेल। फिर हमें एक और टेबल डेटा सेल चाहिए, तो अभी इसको हम यहीं पे रहने देते हैं और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। सो वन एडमिन एट एडमिन एट जी मेल डॉट कॉम, जहाँ तक तो हमारे पास वैल्यूज आ गई। किस टेबल से आई, हम पी सी माई एडमिन पे देखते हैं कि वन एडमिन डिव। तो ये दो वैल्यूज अभी रहती हैं, तो हम ये दो वैल्यूज भी क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हमें एक और टी डी चाहिए, टेबल डेटा
लेकिन अब उसका इंडेक्स क्या है, यू टाइप और थर्ड इंडेक्स हमारे पास क्या है, यू पासवर्ड, वो हम डेटाबेस में देख लेते हैं, नॉट यू पासवर्ड ओनली पासवर्ड। तो इसी चीज़ को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे सेव, और उसका नाम क्या है, पासवर्ड। एंड नाउ वी रिफ्रेश, नाउ पे रिफ्रेश, तो हमारे पास एक्चुअली कंप्लीट रिकॉर्ड क्या हो गया, इस टेबल से डिस्प्ले हो गया। तो नाउ हम एक और रिकॉर्ड इस टेबल में क्या करते हैं, इस डेटाबेस टेबल में ऐड कर देते हैं। तो यू आई डी आपकी ऑटो इंक्रीमेंट है, यू नेम क्या है अकरम, यू मेल क्या, ई मेल क्या है akram@gmail.com, टाइप लेट्स से 0, और पासवर्ड क्या है 123। ओके बटन पे क्लिक करते हैं और ब्राउज करके देखते हैं कि इस टेबल में सेकंड रिकॉर्ड ऐड हुआ है। ओके, तो अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो आपका सेकंड रिकॉर्ड क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। तो इसमें ये कोड अगर हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करें इस कोड में, तो हम किसी भी टेबल से कंप्लीट रिकॉर्ड अपने पीएचपी के थ्रू किसी भी एचटीएमएल फॉर्म के अंदर या एचटीएमएल टेबल के अंदर उसे डिस्प्ले करवा सकते हैं विद दिस कोड। तो अभी आपने सिंपल क्या देखा कि डेटाबेस कनेक्शन क्या है, सिलेक्ट क्यूरी जो आप ऑलरेडी देख चुके थे। अब आपने क्या देखा है एक्चुअली कि हम पीएचपी का कोड एचटीएमएल के साथ मिक्स कैसे करते हैं। तो एक वाइल लूप कैसे आपके एचटीएमएल को मल्टीपल टाइम्स क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो आपको अगर कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट मल्टीपल टाइम चाहिए तो आप पीएचपी को यूज़ करते हुए उसको रिपीट कर सकते हैं। तो अगर लेट्स सपोज हमारे पास पीएचपी ना होती, लेट्स से हमारे पास सिर्फ इको रो एंड नेम होते, तो हर रो अगर हमने मैन्युअली डिस्प्ले करवानी होती तो ये टीआर हमें कितने चाहिए थे, लेट्स से अगर हमारी टेबल की रोज 10 है तो हमने 10 टाइम्स ये बार बार हमें ये लिखना पड़ता। तो इससे बेटर क्या है कि आप क्या करें, पीएचपी का लूप अप्लाई कर लें। तो माई एसक्यूएलआई फेच एसोसिएटिव बेसिकली क्या कर रही है, आपकी जो रो रिटर्न कर रही है उसके जो इंडेक्सेस हैं वो टेबल के एट्रीब्यूट्स को मैच कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे एसोसिएटिव के बजाय आप चाह रहे हैं कि जो रो रिटर्न हो वो इंडेक्स्ड अरे रिटर्न हो, मतलब फर्स्ट एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो आप अब इस कोड को अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली एरर आएगा, क्योंकि यू आई डी कोई भी इंडेक्स अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो रो रिटर्न हो रही है वो एसोसिएटिव अरे नहीं है। तो आपको यहाँ पे यू आई डी के बजाय क्या देना पड़ेगा, 0 अगर आप देंगे तो ये यू आई डी आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी 1 एंड 2। लेकिन ये याद रखना कि अब ईमेल का इंडेक्स क्या था, लेट्स से अगर इस टेबल में 25 एट्रीब्यूट्स हों तो आप बार बार काउंट करना पड़ेगा, ओके इसका इंडेक्स क्या बन रहा है, इसका इंडेक्स क्या बन रहा है। तो बेटर वे क्या है कि आप क्या करें, जब एसोसिएटिव डेटा गेट करें फ्रॉम टेबल तो उसको गेट करें विद एसोसिएटिव फॉर्मेट। तो अगर आपको किसी जगह पे इको करवाना है पासवर्ड तो आप सिंपल क्या लिखें, इको रो एंड पासवर्ड। तो दिस इज अवर टास्क ऑफ टुडे। फर्स्ट लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम बेसिकली फॉर्म से डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं और डेटाबेस से वैल्यूज देन कैसे कलेक्ट गेट करते हैं। आज हमने सिंपल ये देखा कि हम डेटाबेस से वैल्यूज को कैसे कलेक्ट करते हैं यूजिंग सेलेक्ट स्टेटमेंट, और उसको अपने पेज पे कैसे डिस्प्ले करवाते हैं यूजिंग पीएचपी एंड मिक्सिंग ऑफ एचटीएमएल एंड पीएचपी। तो अब आपकी क्यूरी डिफरेंट हो सकती है, लेट्स से आप चाह रहे हैं कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर, और लेकिन वेयर जो यूज़र आईडी है यूआईडी वो इक्वलन टू क्या हो, 1 हो। वो यूज़र आपको चाहिए जिसकी आईडी इक्वलन टू क्या है, 1, मतलब इनमें से आपको ये वाला रिकॉर्ड चाहिए, सारे रिकॉर्ड नहीं चाहिए तो आप वेयर की कंडीशन अप्लाई करोगे। सो योर डेटाबेस कोर्स मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग अगर आपने वेब प्रोग्रामिंग को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना है। तो इसको अगर हम दोबारा रिफ्रेश करें तो नाउ आपके पास कितनी रोज आ रही हैं, ओनली 1, जिसकी यूज़र आईडी क्या है,
वन. लेट्स से अगर आप कहते हैं कि हमें यूज़र आईडी नहीं, हमें यूज़र नेम, यू नेम जो अक्रम है वो डिस्प्ले करवाना है सिर्फ, तो हम अपनी क्यूरी को क्या चेंज कर देंगे, यू नेम इक्वलेंट टू ए के अक्रम बिकम इनटू सिंगल कोटेशन एट द एंड कंप्लीट. आपकी कोटेशन सेव करें एंड रिफ्रेश, तो आपके पास जो यूज़र आईडी आ रही है वो क्या आ रही है, अक्रम. तो इट्स मीन सम हाउ हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके कोई भी सर्च इंजन टाइप क्रिएट कर सकते हैं कि अगर आपको वो यूज़र चाहिए जिनकी टाइप जीरो है, वो यूज़र चाहिए जिनकी ईमेल ये है, तो डिफरेंट क्यूरीज को हम अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं. तो अगर हम इस कोड को क्या करें, बेसिकली हम कह सकते हैं कि यही जेनेरिक कोड, अगर इसको हम थोड़ा सा जेनेरिक कर दें, हम कह दें कि यहाँ पे टेबल नेम आएगा, टेबल अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पे वेर के बाद क्या होंगी, लेट्स से हम कहते हैं कंडीशन, और इसको अगर हम मूव कर रहे हैं तो इसको हम कह सकते हैं ये कॉलम आईडी वन डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, अगेन दिस इज योर कॉलम, अगेन दिस इज योर कॉलम, अगेन दिस इज योर कॉलम. तो 1 2 3 4 5, तो इसको आप चेंज कर लें 1 2 3 4 5. अब यहाँ पे जो इको करवा रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली क्या आएंगी, आपके कॉलम्स के नेम्स आएंगे, तो एक्चुअली आपके डेटाबेस के नेम्स हैं. तो अगर आपके पास 5 कॉलम्स हैं तो 5 टाइम्स आपने क्या करना है, कॉलम्स को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है. सो अगर मैं इसी कोड को कॉपी एंड मैं अपनी एक कोड लाइब्रेरी जनरेट कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ एक नोटपैड या वर्ड फाइल, वर्डपैड कह लें, तो यहाँ से हम क्रिएट करते हैं न्यू सेव, जो कोड मैंने कॉपी किया है कंप्लीट उसके लिए अगेंस्ट मैं अपने किसी फाइल पे जाता हूँ, लेट्स से न्यू वॉल्यूम ई, और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करके कहता हूँ कोड लाइब्रेरी. ऑलरेडी कभी हमने क्रिएट की हुई है, तो हम कहते हैं कोड लाइब्रेरी, कोड लाइब्रेरी कहाँ पे हमारी, दिस वन. एंड यहाँ पे कोड फोल्डर हम क्रिएट कर लेते हैं, हम इस फोल्डर का नाम रखते हैं इंसर्ट या डिस्प्ले रिकॉर्ड, और इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को जिसको आप आरटीएफ या टेक्स्ट कह लें, तो आप इस स्पेसिफिक लोकेशन पे स्टोर करा देते हैं. तो नेक्स्ट टाइम आपने कभी भी कोई डेटाबेस या सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है या वेब एप्लीकेशन डेवलप करनी है, आपको पता है कि आपकी कोड लाइब्रेरी के इनसाइड आपने छोटे छोटे स्क्रिप्ट रखे हुए हैं. तो लेट्स से दिस इज अवर डिस्प्ले रिकॉर्ड, इसको हम क्या कह देते हैं, तो ये हमारा एक छोटा सा स्क्रिप्ट है जिसमें इसको हम नाम यहाँ पे चेंज करके ब्लॉक के बजाय ये क्या है, डेटा बेस नेम, हमने सेव कर दिया, सेव, और इसको रीनेम कर दें हम डिस्प्ले कंप्लीट टेबल रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस. तो इट मीन आपके पास ये स्क्रिप्ट रेडी हो गया है कि इसका ये स्क्रिप्ट बेसिकली आपके पास क्या कर रहा है कि ये कंप्लीट टेबल रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस से आपको डिस्प्ले करवा रहा है इनटू बूटस्ट्रैप टेबल. तो यहाँ पे आप बूटस्ट्रैप भी ऐड इस फाइल के साथ ऐड कर दें या इस फाइल को ओपन करें आप, और यहाँ पे सम कमेंट्स ऐड कर दें पीएचपी के इनसाइड दिस स्क्रिप्ट विल बी डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस टेबल एज पर योर क्यूरी. सो अब आपको ये कोड जब भी चाहिए होगा तो आप जस्ट क्या करेंगे, इस कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे और इस स्पेसिफिक लोकेशन पे जहाँ भी आपने इस कोड को री यूटिलाइज करना
पेस्ट कर लेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर आपकी छोटे छोटे स्क्रिप्ट अवेलेबल हैं आपकी कोड लाइब्रेरी में, तो जस्ट आपने इनको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, रिफ्रेश करना है, इन कॉलम्स में वैल्यूज़ को चेंज करना है, यहाँ पे आपने डेटाबेस का नाम लिखना है, यहाँ पे आपने कंडीशंस बतानी है डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, यहाँ पे टेबल का नाम लिखना है आपने, टेबल ऑलरेडी आपके पास कंटेनर क्रिएट है, इन वैल्यूज़ को फिल करना है, आपका जो है पेज विद इन 2 मिनट 3 मिनट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी आप कोड कर रहे हैं वो छोटे छोटे स्क्रिप्ट के अगेंस्ट अपनी एक लाइब्रेरी क्रिएट करते रहें, ताकि लेटर ऑन जब आप प्रोजेक्ट बनाने पे आएँ तो ये स्मॉल स्मॉल कोड आप मल्टीपल लोकेशन पे रीयूटिलाइज कर सकें। होप्सो आज का जो लेक्चर है वो इंफॉर्मेटिव होगा। सी यू टुमारो इंशाल्लाह विद न्यू टास्क, और अटेंडेंस ओनली 15।